जी नाम है। क्या हुआ था, क्या करने गए जो कैसे लोगों ने हमला कर दिया? विद्युत चेकिंग हम लोग करने गए थे मास रेड के अंतर्गत, तो लालपुरा मोहल्ला है कोई, वहाँ वहाँ पर कुछ लोग कटिया डाल के चला रहे थे, जिससे कि हम लोगों ने उनके बिल मांगे। मांगने के उपरांत जो उन लोगों ने उनके तार पड़े हुए थे, तो हम लोगों ने केबल बिल उतारने के लिए कहा, तो इस पर वो लोग वाद विवाद करते 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 जो है वहाँ झगड़े की स्थिति बन गई। तो इतने दौरान 40 से 50 लोग 60 लोग इकट्ठे होने लगे लड़के, तो वहाँ उपद्रव करते गाली गलौज करते हुए शुरू हो गया। उनको लोग झगड़ा करना शुरू कर दिया, मारपीट करना शुरू कर दी। हम लोगों को कोई चेकिंग वेकिंग नहीं करनी दी वहाँ। आपको कहाँ चोट आई है? चोट जो है चेहरे पे सामने दिख ही रही है, एक यहाँ है और पैर में भी है, खाई से मारा पीटी के लोग? वही हाथापाई वही है। जितेंद्र राजपूत उपखंड अधिकारी हैं द्वितीय इटावा। परिस्थितियों में कैसे चेकिंग कर पाएंगे? परिस्थितियाँ तो बहुत विपरीत हैं, लेकिन क्या है कि हमें विद्युत चोरी रोको अभियान भी चलाना है, उच्च अधिकारियों का आदेश भी है। अब कैसे भी मैनेज कर रहे हैं, फोर्स भी लेंगे यहाँ थाने से, पुलिस की जितनी आवश्यकता पड़ेगी यहाँ प्रार्थना पत्र देके पुलिस मांगी जाएगी, जो भी मिलेगा उसमें चेकिंग की जाएगी। देखिए, आज कोतवाली क्षेत्र के लालपुरा मोहल्ले में बिजली विभाग की टीम चेकिंग करने गई थी। उस दौरान वहाँ के कुछ लोगों ने उनके साथ अभद्रता करी। इस चीज़ की सूचना जैसे ही पुलिस को मिली, पुलिस बल वहाँ मौके पर पहुँचा और स्थिति को नियंत्रण में किया। अभी पुलिस विभाग के जो SDO हैं उनके द्वारा तहरीर प्राप्त हुई है, जिसमें कि जो मुकदमा दर्ज करके आवश्यक विधि कार्रवाई करी जा रही है।